Hello friends, my name is A.K. Tyagi. Once again, I welcome all of you to my YouTube channel, ASL Institute of English Language. So today I'm going to make the A part of the part number third, right? So it's a sub part of part number third, we can say. So, जो हमारे नए viewers आज पहली बार इस channel पर आए, दोस्तों, please आप पीछे के दोनों parts जरूर देखें. Please do watch them. The previous two parts of conjunction so that you may understand the entire concept of conjunction जिसमें coordinating and subordinating को बहुत detailed में समझाया गया है. तो दोस्तों without wasting time let's begin. जैसा कि आप screen पर देख पा रहे हैं subordinate clause that is called the dependent clause. यानी आज हम बात करेंगे subordinate clause की जिसको हम dependent clause बोलते हैं because it depends on the principal clause. That's why it is called the dependent clause. As far as the clauses are concerned, there are three clauses in English. One is the main clause that is called the principal clause as well. And the subordinate clause which I'm going to teach you today in this video. And the third one is a coordinate clause which I taught you in a previous video. You can watch that video once again. अगर आपको इन केस यू हैव गॉट एनी शॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों. तो लेट्स बिगिन. जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सबॉर्डिनेट क्लोज दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट क्लोज. ये सबॉर्डिनेट क्लोज यूज्ड इन थ्री वेज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो व्हेन वी कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी यूज सबॉर्डिनेट क्लोज इन थ्री वेज. तो व्हाट आर दीज वेजेस? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड दैट नाउन. पहला हमारा नाउन क्लोज होता है, ठीक है. And the second one is called that adjective clause. And the third one is called that adverb clause. और noun clause के बारे में बात करते हैं सबसे पहले. Noun clause हमेशा noun की तरह कार्य करता है, subject to a verb. यानी या तो ये subject to a verb की तरह काम करता है, किसी भी क्रिया का subject बन जाता है, जैसे कि एक noun बनती है, या फिर object to a verb या complement to the verb ये काम करता है, या फिर case in a position and lastly ये governed by preposition etc. इन सभी केसेस में ये काम करता है. साधारण शब्दों में उपयुक्त लिखे सभी नाउन के जो फंक्शन होते हैं, अतः नाउन क्लोज अधिकांश उन सभी केसेस में कार्य करता है जिनमें एक नाउन करता है. बिल्कुल सीधी भाषा में बात करूं तो एक नाउन क्लोज हमेशा वो सारे काम करता है जो कि एक नाउन करता है. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल नाउन कैसे काम करता है, क्योंकि एक बार अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि नाउन किस तरह से काम करता है तो हमारे लिए इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि एक नाउन क्लोज से हम किस तरह से काम करा सकते हैं. तो इसके लिए हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन, यानी जिनको नाउन केसेस कहते हैं. तो नाउन किन किन केसेस में काम करता है, तो उसका जो पहला काम होता है नाउन का, दैट इज सब्जेक्ट टू अ वर्ब. नाउन एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी किसी भी आप क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में नाउन को जब यूज करते हैं तो उसको आप सब्जेक्ट टू द वर्ब या सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या फिर सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं. दूसरा उसका केस होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस. एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, यानी इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, यानी जब किसी भी क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आकर नाउन यूज होता है. एंड द नेक्स्ट वन इज केस इन अपोजिशन, यानी जब नाउन किसी अपोजिशन केस में आता है. दिस इज नॉट अपोजिशन, दिस इज अपोजिशन. एंड नेक्स्ट वन इज गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन. तो जितने भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रेड कलर में जो आप देख पा रहे हैं, दीज आर द 1, 2, 3 and 4, 5. ये पांच केसेस में आपका सबॉर्डिनेट क्लोज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काम करता है, यानी आप एक पूरे क्लोज से नाउन की तरह काम करा सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे नाउन के केसेस होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं, जैसे बीइंग एड्रेस, वोकेटिव केस जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट वन इज पजेसिव केस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्बल, नाउन एज अ प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट, नाउन एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव और मॉडिफायर ऑफ अनदर नाउन. तो ये कुछ और भी तरीके होते हैं, यानी और भी फंक्शन होते हैं नाउन के, जिनको आप जब कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नाउन के फंक्शन के ऊपर तो यू कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल प्रॉपरली. अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव केस, अ नाउन इज सेट टू बी इन द सब्जेक्टिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग हु और विच कैरीज आउट द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. यानी जब कोई भी एक नाउन, राइट, वो चाहे पर्सन हो या थिंग है, किसी भी एक्शन का सब्जेक्ट बनती किसी सेंटेंस में, तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं. जैसे ए नाउन इज सेट टू बी इन द सब्जेक्टिव केस
तो इसी को हम सब्जेक्टिव केस में इसको बोला जाता है, ठीक है, कि क्रिया के कर्ता के रूप में आता है तब वह सब्जेक्टिव केस में कहलाता है। जैसे राम गोज टू स्कूल, तो एज यू कैन सी राम गोज टू स्कूल, तो लुक एट द स्क्रीन, राम गोज टू स्कूल, तो यहां पर स्कूल कौन जाता है, राम, दैट इज सब्जेक्ट। Robin has completed his work, so Robin is the subject because he has done his work. And the next one is the objective case. So objective case mein, in this case noun is used as an object. In case, is case mein noun ka prayog kriya ke object ke roop mein hum karte hain. Jaise I teach Ram, main Ram ko padhata hu, to yahan par subject main hu because I do that action. Aur padhane ka main action karta hu aur main kisko padhata hu, whom do I teach? So I teach Ram, that is the object of my action teach. A noun can be in either case, दोनों केस में हो सकती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके लिए भी हम एक स्पेशल वीडियो मैं आगे आपको दूंगा जिसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेपरेटली बहुत अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड दैट कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, या कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब भी हम बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट। तो कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब किस तरह से काम करता है, जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ही इज राम, वह राम है। तो अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस को क्लोज कर देता हूं ही इज बोलकर, ही इज, तो हिज के इज के बाद वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस अंटिल अनलेस वी यूज द कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। तो इज जो आपकी लिंकिंग वर्ब है उसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर राम है, तो तब। एंड द नेक्स्ट वन इज केस इन अपोजिशन, तो जैसा कि आप केस इन अपोजिशन में देख पा रहे हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज केस इन अपोजिशन एंड हाउ It plays an important role in English. ठीक है, तो जैसे my friend Virat is a good player. तो यहाँ पर we have to understand कि जब एक noun उसके साथ दूसरी noun आती है, यानी एक noun के साथ दूसरी noun आती है, and that second noun is about the first noun. यानी second noun आपकी पहली noun के बारे में ही होती है, तो second noun is called the अपोजिशन केस में कहलाती है, बिकॉज ये दोनों ही नाउन एक ही व्यक्ति, वस्तु या किसी जगह के बारे में होती है। तो सेकेंड नाउन पहली नाउन के अपोजिशन केस में होती है। तो यहाँ पर स्पेलिंग पर ध्यान दें, ए डबल पी ओ एस आई टी आई एन, दिस इज नॉट अपोजिशन, दिस इज अपोजिशन। इन अपोजिशन का यूज हम सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए भी करते हैं, यानी अगर केस इन अपोजिशन इंग्लिश में नहीं होता तो हमें इसके लिए या तो एक अलग से क्लोज क्रिएट करना होता, जैसे मेरा दोस्त जिसका नाम विराट है इज अ गुड प्लेयर, तो हम सिंपली जस्ट वी कैन से दैट माय फ्रेंड विराट इज अ गुड प्लेयर। तो विराट यहां पर माय फ्रेंड के अपोजिशन केस में, हालांकि ये दो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है लेकिन इसको हम अपोजिशन केस में बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर जब एक नाउन के बराबर में दूसरी नाउन आती है दैट इज कॉल्ड द अपोजिशन केस। तो इस तरह से हमने विराट को यहाँ पर माय फ्रेंड के पोजीशन में यूज किया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, यानी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जब कोई भी नाउन आती है तो उसको हम गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन। बट आई वांट टू शेयर अ ग्रेट थिंग विद यू गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन के बारे में, कि हमेशा यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, कि जितनी भी प्रेपोजिशन होती है, चाहे वो कोई भी प्रेपोजिशन हो आपकी, ठीक है, इन हो, एट हो, ओन हो, ओवर हो, अराउंड हो, कोई भी प्रेपोजिशन हो इंग्लिश में, उसके बाद आपको हमेशा नाउन यूज करनी होती है। अगर आप नाउन यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर इन केस अगर नाउन आपके पास नहीं है तो फिर नाउन के बदले जो प्रोनाउन आती है आप प्रोनाउन यूज करते हैं या फिर आप जिरंड यूज करते हैं। तो दीज आर द थ्री थिंग्स विच कैन बी यूज आफ्टर प्रेपोजिशन। इसके अलावा आप प्रेपोजिशन के बाद कुछ भी यूज नहीं करते इंग्लिश में, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद जैसे ही आप नाउन को यूज करते हैं तो वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के केस में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन। उसी को गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन बोलते हैं, यानी शो एक सिंपल वे में हम इसको बोल सकते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन को यूज करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, आई बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पर इन जो प्रेपोजिशन है उसके बाद आपने गॉड को यूज किया, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन राम, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, I'm fond of pizza, ठीक है। तो ये सारे examples जैसे ही आप preposition के बाद use करने वाले हैं वहाँ पर noun, और noun we are using here as an object। आगे हम देखते हैं subordinate noun clause। अब हम let me start the subordinate clause। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक functions यानी noun के cases को समझा है, जिसमें हमारा subject to the verb, object to the verb, complement to the verb, case in opposition and governed by preposition है। subordinate clause, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सबोर्डिनेट
जो नाउन क्लोज है वो नाउन की तरह सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब या केस इन अपोजिशन या गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन आदि रूपों में काम करता है, यानी वो सारे काम करता है जो कि नाउन, अभी हमने पांच तरीके से नाउन को काम कराया। नाउन क्लोज के निम्नलिखित कनेक्टर्स होते हैं जिससे हम इन नाउन क्लोजेस को जोड़कर यानी प्रिंसिपल क्लोज के साथ जोड़कर अपने नाउन क्लोज की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब आप पहला एग्जांपल देखें, द फर्स्ट एग्जांपल, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। व्हाट यू से मेक्स मी कंफ्यूज। तो यहां पर देखें व्हाट यू से, इसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया बिकॉज ये आपका नाउन क्लोज है, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब मेक। तो मेक जो यहां पर वर्ब है, यू कैन सी द मेक, उसका सब्जेक्ट आपका व्हाट यू से है, यहां पर वी आर यूजिंग एज अ सब्जेक्ट दैट। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, राम मेक्स मी कंफ्यूज। अगर सपोज आप देखिए राम यहां पर वर्ड है बिकॉज दैट इज नाउन, तो यूज्ड एज अ सब्जेक्ट टू द वर्ब, यहां पर मेक के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है राम को हमने, तो राम को अगर हम व्हाट यू से रिप्लेस कर दें, यानी आप राम की जगह पर व्हाट यू से लिखें यहां पर, तो आपका सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, व्हाट यू से, और व्हाट यू से में एक कनेक्टर है व्हाट, यू सब्जेक्ट है और एक वर्ब है फाइनाइट वर्ब, तो इसकी हेल्प से सब्जेक्ट एंड वर्ब की हेल्प से आपका एक पूरा क्लोज क्रिएट हो जाता है। आप क्लोज के बारे में इस तरह से समझिए, यानी क्लोज एक सेंटेंस होता है, अगर आप बोलते हैं यू से तो दिस इज द सेंटेंस, लेकिन जब ये किसी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड का पार्ट बन जाता है बिकॉज दैट इज अ बिग सेंटेंस, तो वहां पर ये छोटे छोटे सेंटेंस को हम क्लोजेस बोलने लगते हैं। तो आइदर दैट कुड बी द प्रिंसिपल क्लोज या फिर वो आपका सबोर्डिनेट क्लोज या फिर आपका कोऑर्डिनेट क्लोज में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट यू से दैट इज कॉल्ड द नाउन क्लोज बिकॉज इसने सब्जेक्ट की तरह काम किया। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल ऑलवेज मेक्स मी कंफ्यूज। तो देखो यहां पर मैंने ना बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, जब आप देखते हैं राम को तो राम इज अ वर्ड, राम इज अ वर्ड, तो वर्ड के रूप में आप सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिससे आपने एक सिंपल सेंटेंस क्रिएट किया है। दूसरा सेंटेंस आप देखें, थर्ड सेंटेंस आप अगर देखें लास्ट वाला, द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल ऑलवेज मेक्स मी कंफ्यूज, तो यहाँ पर नाउन फ्रेज यूज किया हमने बिकॉज आपको पीछे शायद मैंने बताया था फ्रेजेस के बारे में कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाते हैं जिनका अपना एक मीनिंग होता है बट एक कंप्लीट सेंस नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द फ्रेज, जिसको हम वाक्यांश कहते हैं, यानी वाक्यांश। मैं यहाँ पर वीडियो में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप यू कैन सी दैट वीडियो उसको समझने के लिए, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। आप फ्रेजेस के बारे में जान लें, क्लोज के बारे में जान लें, थोड़ा सेंटेंस के बारे में, ताकि फिर आपको अच्छे से ही समझ में आ जाए। और द थर्ड वन, जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट वन दैट इज क्लोज, तो यहाँ पर हमने पूरा क्लोज को यूज किया है। तो जो काम आप एक वर्ड से करते हैं वो काम आप फ्रेज से कर सकते हैं इंग्लिश में, और वही सेम काम आप क्लोज से कर सकते हैं। तो देखो ग्रामर की यही एक खूबसूरती होती है कि अगर आप ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ लें तो यू कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस, यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन सेंटेंसेस, यू कैन क्रिएट योर लैंग्वेज, यू कैन राइट व्हाट यू वांट, देयर इज नो नीड टू कॉपी एनीबडी, देयर इज नो नीड टू बिकम अ कॉपीकैट, यू कैन नॉट कॉपी एनीबडी, यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टफ बाय नोइंग ऑल द थिंग्स करेक्टली। तो यही एक इंपॉर्टेंस होती है, इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश, एंड आफ्टर लर्निंग दिस ग्रामर you can't believe that how confident you become in English, guys, how confident you start speaking good English, you start writing good English, you don't have any problem even to understand the native speakers। ab dekhiye par jo aapka first sentence hai, pratham vakya mein what you say close, dusre vakya mein ram that is noun ek word, aur teesre vakya mein that's called the noun phrase subject ki tarah kaarya kiya hai in teenon ne, to ek jagah word, ek jagah phrase, ek jagah close। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, व्हाट यू रॉट सरप्राइज्ड मी, तो सब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी जो आपने लिखा था उससे मुझे आश्चर्य हुआ, उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, दैट ही कम्स हियर इज ट्रू, अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं ही कम्स हियर इज ट्रू तो चल जाएगा, दैट इज, लेकिन आप कनेक्टर को अगर दिखाते तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड इन अनदर वे टू, जैसे इट इज ट्रू दैट ही कम्स हियर, ये केस इन अपोजिशन में हमने यूज किया जिसको मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। तो यू कैन मेक, यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस सेंटेंस इन आइदर वे, जैसे दैट ही कम्स हियर इज ट्रू एंड इट इज ट्रू दैट ही कम्स हियर,
both are correct. Or how you behaved at the party was not polite. तो जिस तरह से आपने पार्टी में व्यवहार किया था वॉज नॉट पोलाइट, वो बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, पोलाइट नहीं था. तो सब्जेक्ट टू द वर्ब, यहाँ पर रेड अगर आप देखें, पहले सेंटेंस में सरप्राइज्ड का सब्जेक्ट व्हाट यू रोट है, दूसरे सेंटेंस में आपका जो दैट ही कम्स हियर, यहाँ पर हियर तक ये सेंटेंस एक्चुअली रेड नहीं हो पाया, वो इज का आपका सब्जेक्ट है. टू behaved at the party, यहाँ पर ये पूरा close है, that is noun close, और was क्रिया का आपका ये subject की तरह से use हुआ है. तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं objective case पे, यानी जब noun close complex sentence में principal close में I verb के कर्म के यानी object के रूप में कार्य करता है, तो उसको हम case ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. यानी फ्रेंड्स बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल जैसा मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, यानी ऑब्जेक्टिव केस में जो फंक्शन ऑफ नाउन में आपको समझाया गया था, इफ आई से दैट आई नो राम, मैं राम को जानता हूं, तो मैं किसको जानता हूं, राम को. इसी तरह आई सो राम, मैंने राम को देखा, तो राम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब सॉ. तो जो सॉ वर्ब है आपकी, उसका ऑब्जेक्ट आपका राम है. तो आई सो अ स्ट्रिप डॉग, मैंने एक, जैसे होता है ना जेब्रा के ऊपर एक स्ट्रिप बनी होती है, दैट इज चित्तीदार जिसको बोलते हैं, राइट, चित्तियां होती है. तो इस तरह का मैंने कुत्ता देखा, बट बिकॉज इसमें दो वर्ड्स को एक साथ यूज किया है, तो दैट इज कॉल्ड द नाउन फ्रेज. तो हमने फ्रेज को ऑब्जेक्ट में यूज किया है. यानी जिस तरह मैंने सब्जेक्ट में बताया था कि सब्जेक्ट हम किसी एक वर्ड को या एक फ्रेज या एक क्लोज को बना सकते हैं, इन द सेम वे हम किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, या फ्रेज की तरह, या फिर हम क्लोज की तरह यूज करते हैं. जैसे आई सो व्हाट शी वॉज डूइंग देयर, मैंने देखा था कि वो वहां क्या जो वो कर रही थी वहां पर मैंने देखा. तो मैंने पहले सेंटेंस में राम को देखा, दूसरे में एक स्ट्रिप डॉग को देखा, और तीसरे में मैंने देखा कि वो जो कुछ वो वहां कर रही थी मैंने वो देखा. द नेक्स्ट वन ही डाउट्स, सपोज ही डाउट्स राम, वो राम को संदेह करता है, यानी राम पर उसका संदेह है. तो ही डाउट्स इफ शी विल मैरी हिम, कि क्या वो उससे शादी करेगी, उसको डाउट्स है यानी संदेह है. शी नोज राम, वो राम को जानती है. एंड दैट आई डोंट नो वेदर शी कम्स हियर और नॉट, और मैं नहीं जानता कि वो यहाँ आती है या नहीं आती. तो यहाँ पर देखो, मैं राम को जानता हूँ और यहाँ पर मैं नहीं जानता कि वो यहाँ आती है नहीं. तो जिस तरह वो राम को जानती है, उसी तरह मैं ये नहीं जानता कि वो यहाँ आती है नहीं. तो जितनी चीजें आप रेड में देख रहे हैं यहाँ पर, इफ शी विल मैरी हिम, वेदर शी कम्स हियर और नॉट, वॉट शी वॉज डूइंग हियर, तो ये आपके क्लोजेज है जिनमें सेंटेंस आपका कनेक्टर लगा हुआ है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, साथ साथ आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है प्रॉपर, ये पूरा सेंटेंस है. एंड दैट इज द पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि सपोर्ट कर रहा है और डिपेंड है आपके प्रिंसिपल क्लोज पर, और अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है. देखो दोस्तों, डिपेंडेंट क्लोज को डिपेंड होना पड़ता है प्रिंसिपल क्लोज को, क्लोज के ऊपर, तभी वो अपनी सेंस को पूरा कर पाता है. ये इस तरह नहीं होता जिस तरह कंपाउंड में आप देख पा रहे थे कि दोनों क्लोजेस इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे. यहाँ पर एक क्लोज आपका सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज है. तो अगर आप इनको क्लोजेस को अलग अलग निकाल कर पढ़े तो इनका कोई मतलब नहीं होगा, वेदर शी कम्स हियर और नॉट, नहीं, जब तक कि वो आई डोंट नो से नहीं जुड़ा होगा. तो इट यानी इट डिपेंड्स ऑन क्लोज पर, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लोज. नेक्स्ट, सी नोज दैट कॉटेज गर्ल, तो यहाँ पर देखो दैट कॉटेज गर्ल, तो दैट से घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्लोज नहीं है, दिस इज दैट कॉटेज गर्ल, यानी उस झोपड़ी वाली लड़की से. तो कॉटेज यहाँ पर जो यूज हुआ है, ये दीज आर द थ्री वर्ड्स, ये फ्रेज है आपका. लेकिन डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो डू यू नो हु आई एम, इसको हमने हु एम आई क्यों नहीं लिखा, बिकॉज दीज आर द एम्बेडेड क्वेश्चंस. तो आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते वक्त, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड आप उसमें कनेक्टर्स की तरह यूज करते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह, तो उसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको. जैसे सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लिसन टू मी माइन्यूटली और केयरफुली मुझे सुनना प्लीज, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए. जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हु आर यू, तो आपने पूछा हु आर यू या हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो दीज आर द क्वेश्चन, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं. लेकिन जब आप इनको किसी प्रिंसिपल क्लोज के साथ जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम असर्टिव बना लेते हैं, यानी इनको डिक्लेरेटिव में चेंज करके तब इनको जोड़ देते हैं, और जो आपका डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं वो आपके कनेक्टर्स की तरह काम करने लगते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले आप, डू यू नो हु आई एम, तो हु एम नहीं, तो जैसे आई नो हु यू आर, अब सपोज मैंने पूछा हु आर यू, दिस इज द क्वेश्चन, ये सिंपल आपका क्वेश्चन है, लेकिन आई नो हु यू आर, तो यू हैव टू से हु यू आर, हु आर यू नहीं. ये सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, ठीक है,
तो ये इस मिस्टेक से बचने के लिए आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है। जैसे वेयर डू यू लिव, ये सिंपल एक क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल एक क्वेश्चन है, दिस सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव है आपका, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। लेकिन जब आपको बोलना होता है, जब आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है कि मुझे पता है, आई नो वेयर यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं, तो दीज आर द एम्बेडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, दैट सी नोज व्हाई यू डू सो, देखो फिर से एक एग्जांपल, व्हाई यू डू सो, उसको पता है कि आप ये ऐसा क्यों करते हैं, उसको पता है, तो देखो वो जानती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो राम को जानती है, वो कोटेस गर्ल को जानती है, और यहाँ पर आप ऐसा क्यों करते हैं ये वो जानती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, रमेश आस्क्ड वेयर आई लिव, रमेश ने पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो देखो हिंदी में भले ही मैं रहता हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में मैंने आई लिव यहाँ पर लिखा है, बिकॉज ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का रूल है, जिसको मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारे व्यूअर्स आज पहली बार इस चैनल पर आए, दोस्तों मैं ऊपर आई बटन में एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर मैं पिछली दो पार्ट्स की वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं, और जिससे कि आपका पीछे का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में आप थोड़ा सा डीपली जानकर फिर इसको दोबारा से जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब आगे देखते हैं केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन, जैसा मैंने आपको नाउन फंक्शन ऑफ नाउन्स में बताया था कि जब नाउन क्लोज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल यानी मेन क्लोज के अपोजिशन केस में आती है, तो उस केस को हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। जैसे आपने पीछे एक एग्जांपल देखा था फ्रेंड्स कि माय फ्रेंड राम, तो राम कौन था, मेरा दोस्त, और मेरा दोस्त कौन था, राम, तो माय फ्रेंड के अपोजिशन में हमने राम को यूज किया है, तो माय फ्रेंड कौन, राम, तो माय फ्रेंड राम इज अ सिंगर, तो राम इज दूसरे सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं राम मेरे पड़ोसी का बेटा है, तो राम माई नेबर्स सन इज अ सिंगर, तो पहले में जहां पर राम है वो केवल अकेला वर्ड है, नाउन है, जो कि अपोजिशन केस में, दूसरे सेंटेंस में आपने फ्रेज, नाउन फ्रेज को अपोजिशन में रखा है, और तीसरे में आपने पूरे क्लोज को ही अपोजिशन में रख दिया, इट इज ट्रू दैट ही इज अ गुड बॉय, यानी ये सच है कि वो एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर सच क्या है कि वो एक अच्छा लड़का है। मान लीजिए एक मिनट के लिए टेक एन एग्जाम्पल, सपोज करिए प्लीज, सपोज माई फ्रेंड को, माई फ्रेंड इक्वल्स टू इट इज ट्रू, और राम के बराबर हम दैट ही इज अ गुड बॉय बना देते हैं, तो माई फ्रेंड कौन है, राम, और राम कौन है, मेरा दोस्त, दोनों एक ही बंदे हैं, तो माई फ्रेंड के इक्वल है इट इज ट्रू, और राम के इक्वल है दैट ही इज अ गुड बॉय, तो इट इज ट्रू, यह सच है क्या कि ही इज अ गुड बॉय, और ही इज अ गुड बॉय, यही तो सच है, तो ये दोनों एक ही, मतलब दोनों क्लोजेस एक ही बात को बता रहे हैं, तो दूसरा क्लोज यानी जो दूसरा क्लोज है रेड में, दैट इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, वो आपके पहले प्रिंसिपल क्लोज के अपोजिशन केस में काम कर रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, ही मेड अस अ प्रॉमिस दैट ही विल नेवर रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, तो उसने हमसे एक वादा किया था कि वो इस मिस्टेक को कभी भी रिपीट नहीं करेगा, कभी नहीं दोहराएगा, तो उसने क्या प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराएगा, और उस कि वो इस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराएगा, यही तो वादा किया था, यानी दोनों क्लोजेस एक ही बात को बता रहे हैं, जिस तरह माय फ्रेंड राम और राम माय फ्रेंड, तो दैट इज केस इन अपोजिशन। अब आप देखिए नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, सबसे पहले हम थोड़ा समझ लें कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं पूरक, यानी जितनी भी मुख्यतः आपकी लिंकिंग वर्ब्स आती हैं, जब तक उनको हम कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, अंटिल अनलेस वी गिव द कॉम्प्लीमेंट टू द लिंकिंग वर्ब्स, तो वहां पर वो अपनी सेंस को पूरा नहीं कर पाती, यानी अपनी अर्थ को नहीं दे पाती पूरी तरह से, यानी उस सेंटेंस का अर्थ ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपसे ही इज या शी इज, आई एम, तो इनके क्या मतलब हो गए, वॉट इज ही, वॉट इज शी, वॉट एम आई, लोग आपसे पूछेंगे वॉट इज ही, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि आप इनको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। लेकिन जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, एडवर्ब के रूप में हो सकता है, लेकिन जबकि अभी हम केवल नाउन की बात कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट गिविंग द नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो ही इज राम, तो इसके बाद अगर आप देखें राम यहां पर आया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, अब ये पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर राम को मैंने वर्ड की तरह यूज किया, सॉरी, तो अब मैं फ्रेज को भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करके आपको दिखाता हूं। इंदिरा गांधी वॉज अ डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, तो इंदिरा गांधी कौन थी, पंडित नेहरू की बेटी थी, तो यहां पर देखो द
डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, यानी इतने सारे वर्ड्स को मैंने कंबाइन करके एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैंने क्या कहा था कि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में होते हैं उनका एक मीनिंग होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस तब होती है जब वो किसी सेंटेंस का पार्ट बनते हैं तो उनको फ्रेज बोलते हैं। इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो एक पीछे वीडियो आप बेसिक दे सकते हैं जिसका लिंक आई बटन में आपको मैं ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर मिलेगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको बेसिक सारा क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, माई कमांड इज वॉट एवर यू विश। तो देखो माई कमांड क्या, तो इसके बाद वॉट एवर यू विश, आपने देखा होगा कई बार जो जिनी वगैरह जो जिन होते हैं वो बोलते हैं जो हुक्म मेरे आका है, यानी मुझे ये चाहिए, तो वो बोलता है माई कमांड इज वॉट एवर यू विश, यानी जो आप चाहते हैं मेरे कमांड में है वो, तो माई कमांड इज वॉट एवर यू विश। तो इसके बाद अगर आप रेड कलर में देख रहे हैं तो द डॉटर, यहाँ पर रेड कलर में जो वर्ड है आपका राम है, द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, दिस इज द नाउन फ्रेज एंड दिस इज वॉट एवर यू विश, यहाँ पर क्योंकि पूरा कंप्लीट क्लोज है तो दिस इज नाउन क्लोज। नेक्स्ट वन द क्वेश्चन इज वॉट ह्यूमन नेचर इज, प्रश्न ये है कि ह्यूमन नेचर क्या है। ठीक है, प्रश्न ये है तो वॉट इज क्वेश्चन, तो इसके बाद वॉट ह्यूमन नेचर इज ये आपका क्या है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। द फैक्ट इज, इसके बाद दैट यू डोंट ट्रस्ट मी, देखो फैक्ट ये है कि आप मेरा विश्वास नहीं करते, तो दैट यू डोंट ट्रस्ट मी दिस इज आपका नाउन क्लोज है, सबॉर्डिनेट नाउन क्लोज, जिसने आपके कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब के रूप में काम किया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के रूप में काम किया है। द प्रॉब्लम इज दैट गवर्नमेंट डजंट प्रोवाइड अस दीज ऑल थिंग्स, तो समस्या क्या है कि गवर्नमेंट हमें ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं करती, तो दैट गवर्नमेंट डजंट प्रोवाइड अस दीज ऑल थिंग्स, जिस तरह राम ने काम किया था, द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू ने काम किया, उसी तरह ये सारे क्लोजेस आपके कॉम्प्लीमेंट बनकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट दैट आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, तो गवर्न्ड बाय द प्रेपरेशन का मतलब, जैसे मैंने पिछले बताया था आपको कि जो प्रेपरेशन का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम गवर्न्ड बाय प्रेपरेशन बोलते हैं, यानी इस केस में नाउन क्लोज में जो प्रिंसिपल क्लोज में आई हुई प्रेपरेशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो प्रिंसिपल क्लोज में जो भी आपकी प्रेपरेशन होती है उसके बाद डायरेक्टली आप नाउन क्लोज को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें यहाँ पर आई बिलीव इन गॉड, तो इन प्रेपरेशन के बाद आपने गॉड को यानी जो नाउन है आपने ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसी क्रिया का नहीं है, यहाँ पर प्रेपरेशन के बाद है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट गवर्न्ड बाय प्रेपरेशन, या सिंपली हम बोल सकते हैं द प्रेपरेशन का ऑब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस हियर यू कैन सी that my school is around the corner, तो यहाँ पर मैंने फ्रेज का यूज किया है अराउंड के बाद, ये कंप्लीट फ्रेज ही आ जाता है, प्रेपरेशन भी उसी में होती है, लिसन टू वॉट आई से, लेकिन यहाँ पर आप देखें जो जिस चीज पर आज हम फोकस कर रहे हैं वो यहाँ पर आपके सामने, लिसन टू वॉट आई से, यानी ध्यान से सुने जो मैं कहता हूँ, तो पहले में देखो आई बिलीव इन गॉड, या मैं चाहूँ तो पहली सेंटेंस एक सेंटेंस बना सकता हूँ आई बिलीव इन वॉट यू से, तो मुझे विश्वास है उस चीज पर जो आप कहते हैं, आई हैव अ फेथ इन व्हाट यू से, तो इनके बाद आप किसी क्लोज को जैसे ही यूज कर रहे हैं, तो जैसे आपने टू के बाद यूज किया लिसन टू, टू इज अ प्रेपरेशन, उसके बाद आपने एक नाउन क्लोज को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया, आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट यू डू, मेरा इंटरेस्ट उन चीजों में जो आप करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट यू डू, तो दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ। दोस्तों ये थे आपके पांच तरीके, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सबोर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी अब हम सबोर्डिनेट को एडजेक्टिव क्लोज के रूप में यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्लोज जो एडजेक्टिव, जो क्लोज एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है प्रिंसिपल क्लोज में, आई नाउन या प्रोनाउन जिसको हम पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट बोलते हैं की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल देखें कंजंक्शन जो इसके होते हैं, जिनको आप कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं, वो आपके हु, विच, दैट, हुम, हुज, वेयर, व्हेन, व्हाई, बट एंड एस एटसेट्रा को यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर राधा की क्वालिटी हमने केवल एक वर्ड से बताई, ब्यूटीफुल, दिस इज द एडजेक्टिव, यानी सिंगल वर्ड में राधा इज अ स्वीट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर हमने एक फ्रेज लिया है राधा एंड स्वीट एंड ब्यूटीफुल, तो इट इज कॉल्ड दैट, एक फ्रेज की तरह बन जाता है ये, जिससे हम राधा की क्वालिटी को बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो दोस्तों देखो राधा हु हैज सिल्की हेयर इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर राधा की क्वालिटी हमने पूरे क्लोज से बताई, यानी राधा जो जिसके सिल्की हेयर है इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी इसके
रेशमी बाल है, एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर हमने क्वालिटी पूरे क्लोज से बताई है। नेक्स्ट सेंटेंस, एज यू कैन सी दैट आई मेड अ मैन हु वाज पुअर, यानी मैं एक आदमी से मिला जो गरीब था, मैं एक आदमी से मिला जो कि गरीब था। तो आदमी की क्वालिटी क्या हुई, जो कि गरीब था। नेक्स्ट सेंटेंस, सी सॉ अ मैन हूज आईज वर ब्लू, मैं एक आदमी से मिला जिसकी आंखें नीली थी। तो जिसकी आंखें नीली थी, समोसा विच मोस्ट पीपल लाइक, समोसा जिसे अधिकांश लोग पसंद करते हैं, इज नॉट हेल्दी, वो हेल्दी नहीं होता। वेजिटेबल दैट इज ग्रोन ऑर्गेनिकली इज एक्सपेंसिव, तो वेजिटेबल जो कि ऑर्गेनिकली यानी उगाई जाती है जैविक रूप से, वो महंगी होती है। वन दोज हु रेस्पेक्ट अदर्स आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, यानी वो जो दूसरों का सम्मान करते हैं, हमें हर जगह सम्मान पाते हैं। इट इज आई, ये मैं हूँ, हु एम टीचिंग यू इंग्लिश, जो आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट लाइक सच पीपल एज स्मोक, मैं ऐसे लोग पसंद नहीं करता जो कि धूम्रपान करते हैं। एंड देयर वाज नो वन, ऐसा कोई भी नहीं था, बट वाज क्राइंग देयर, जो वहां नहीं रो रहा था। तो इन सेंटेंस को मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप एक रूल देखिए यहाँ पर दोस्तों, कोने में, इन द कॉर्नर नोट में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते वक्त हमेशा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के नियमों का ध्यान रखें। यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस छूट गया है दोस्तों, उसको मैं अभी आपसे बोल देता हूँ। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के नियमों का आप खास ध्यान रखें कि टेंसेस किस तरह से यूज होते हैं। तो यहाँ पर तीन रूल्स आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ। पहला रूल होता है कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है, तो सबोर्डिनेट क्लोज आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में होता है, तो आपका सबोर्डिनेट क्लोज पास्ट में ही होना चाहिए। एंड द थर्ड रूल, अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज किसी भी टेंस में हो, उससे कोई फर्क नहीं, सपोज वो पास्ट में हो, लेकिन अगर आपका सबोर्डिनेट क्लोज किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट को दिखाता है, तो वहां पर उसके टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते। तो दिस इज द रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। एंड द सेकंड रूल, एडजेक्टिव क्लोज में आने वाली वर्ब एंटीसीडेंट के रूप में आती है, यदि वह सब्जेक्ट की तरह काम करे तो। जैसा कि आप ध्यान से देखें, मैं आपको एक एक करके यहाँ पर समझा देता हूँ। ये सेंटेंस देखे, राधा, तो राधा यहाँ पर एंटीसीडेंट है। अच्छा, तीसरा रूल में और यहाँ पर एक्चुअली आई फॉरगॉट टू राइट, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जिस भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी आप एडजेक्टिव क्लोज से बताएं, तो एडजेक्टिव क्लोज हमेशा उसके तुरंत बाद स्टार्ट होना चाहिए, भले आपको प्रिंसिपल क्लोज को तोड़ना पड़े। देखो आप ये सेंटेंस आप देखें, राधा हू हैज सिल्की हेयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ये दो क्लोजेज है, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल हू हैज सिल्की हेयर, यानी राधा एक सुंदर लड़की है जिसके रेशमी बाल है। लेकिन चूंकि हम राधा एंटीसीडेंट की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये क्लोज राधा के बिल्कुल बाद से स्टार्ट करना होगा। ये सेंटेंस आप ऐसा नहीं बनाएंगे, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल हु हैज सिल्की हेयर, ये आपका गलत हो जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट। तो आपको हमेशा एडजेक्टिव क्लोज को एंटीसीडेंट के जस्ट तुरंत बाद स्टार्ट करना होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है, इसकी वैल्यू तभी होती है। और यहाँ पर आने वाली वर्ब देखें आप, हु के बाद जो हैज आया है, वो हु के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि राधा के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। आई मेड अ मैन, मैं एक आदमी से मिला था, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्लोज तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा क्लोज मैन पर खत्म हुआ, उसके बाद हमने आपका जो एडजेक्टिव क्लोज क्रिएट कर दिया, हु वाज पुअर, तो मैन के अकॉर्डिंग वाज यहाँ पर आया। सी सॉ अ मैन हूज आईज वर ब्लू, तो यहाँ पर मैन को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं किया, इसलिए वर्ब से कोई टेंशन आपको नहीं है। तो आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, लेकिन एडजेक्टिव क्लोज मैन की तुरंत बाद बना है, जिसकी आंखें नीली थी, तो यहाँ आंखों के अकॉर्डिंग हमने यूज किया, बिकॉज यहाँ पर ये पजेसिव केस में, समोसा इज मोस्ट लाइक पीपल इज नॉट हेल्दी, तो समोसा के अकॉर्डिंग हेल्दी नहीं, तो समोसा इज नॉट हेल्दी, विच हालांकि ये ऑब्जेक्टिव केस में, विच मोस्ट पीपल लाइक, क्योंकि पीपल यहाँ पर सब्जेक्ट है, समोसा इज लाइक बाई पीपल। वेजिटेबल दैट इज ग्रोन, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन वेजिटेबल में सभी वेजिटेबल आ जाती है, इसलिए इसको सिंगुलर रूप में हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इज वेरी एक्सपेंसिव। एंड दोज हु, देखो यहाँ पर दोज हु रेस्पेक्ट,
तो यहाँ पर दोस्त के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट, यहाँ पर हु के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट यानी एस नहीं लगाया हमने, क्योंकि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हमने क्रिया को यूज किया है। नेक्स्ट इट इज आई, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हु के बाद एम लिखा है। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि हु के बाद इज आना चाहिए था, नहीं दिस इज इनकरेक्ट। ये आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे कॉमन एरर्स में आते हैं, एंड हैव टू कीप दीज ऑल थिंग्स इन योर माइंड बिफोर अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन समवेयर, अदरवाइज यू आर गोइंग टू you are going to fail, ठीक है, in the exam. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से इनको यूज करते हैं। आई डोंट लाइक सच पीपल एज स्मोक, तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि सच के बाद हम हु का यूज नहीं करते हैं, इंग्लिश में ग्रामर ऐसा बोलती है, एज का यूज करते हैं, तो आई डोंट लाइक सच पीपल, कुछ लोग बोल देते हैं आई डोंट लाइक सच पीपल हु स्मोक, नहीं, तो यहाँ एज और एज के बाद जो स्मोक का यूज हुआ है वो पीपल के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग नहीं। और नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, देयर वाज नो वन बट वाज क्राइंग ओवर यू, तो बट का यूज हम यहाँ पर एक्चुअली प्रेपोजिशन की तरह नहीं बल्कि एक कनेक्टर की तरह यहाँ पर कर रहे हैं, और इस तरह से हम तीन तरह से इसको यूज कर लेते हैं। कई बार इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज हो जाता है, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, एंड पीछे आपने एडवर्सेटिव कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इसको सीखा था, एंड द थर्ड वन इसका मतलब प्रेपोजिशन की तरह होता है, जहां पर इसका मतलब सिवाय या अलावा होता है, जैसे नन बट आई एम गोइंग देयर, तो वहां पर अलावा है सिवाय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है देयर वाज नो वन बट वाज क्राइंग ओवर हियर, ओह सॉरी क्राइंग देयर, तो ऐसा कोई नहीं था वहां पर जो नहीं रो रहा था, तो दिस इज आल्सो कनेक्टर जो कि एडजेक्टिव क्लोज बना रहा है यहाँ पर, और बट यहाँ पर नो वन के अकॉर्डिंग वॉज का यूज हुआ है, ना कि बट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था आपका सबोर्डिनेट नाउन क्लोज एंड सबोर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन इट इज नॉट सो इजी दैट कैन बी अंडरस्टूड इजिली, तो इट इज नॉट टू इजी टू बी अंडरस्टूड। तो ठीक है गाइज, अगर आपको फिर भी इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो पर्सनली आप मुझे SMS करें यानी मैसेज करें व्हाट्सएप पर, या कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि नास, एंड डेफिनेटली आई विल बी आंसरिंग यू। तो बेहतर होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको हमेशा शेयर करता हूँ, तो वहां पर मुझसे वन आस्क मी एवर दैट हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, सो टूडे आई एम गोइंग टू रिवल सीक्रेट। Guys, please practice, practice and practice. So one day I'll be making another video on that ki how you can improve your English and I'll be sharing a lot of tips with you there. So abhi tak ke liye to itna hi friends. Stay blessed and thank you so much.